Hello students, good morning. How are you? Hope you are healthy and safe at home. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will study about chapter 7, permutations and combinations, part 1, exercise 7.1 and 7.2. Let's start introduction. Chapter 7. What do you mean by the permutation? First thing, permutation jo hai, it is an arrangement, a definite order of a number of objects taken some or all at a time. Definition jo hai permutation ki, a permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. Means permutation jo hai arrangement hai objects ka, lekin isme order jo rahega, order matter karega, definite order given rahega. What is the difference between the permutation and combination? Combination mein selection hota hai, selection of objects, aur usme order matter nahi karta hai. परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर डिफाइनाइट ऑर्डर रहता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डिफाइनाइट नहीं होगा, सेलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रहेगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन. नाउ सेकंड इज फैक्टोरियल नोटेशन. ये न्यू टर्म है. फैक्टोरियल क्या होता है? द नोटेशन फैक्टोरियल एन, दिस वन इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल. लाइक एक्सक्लेमेशन, ये सिंबल है फैक्टोरियल का. द नोटेशन इसको बोलेंगे फैक्टोरियल एन, रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज द प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 × … (n-1) × n इज डिनोटेड एज फैक्टोरियल एन. मीन्स फैक्टोरियल एन जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और इसको इस तरह से लिखेंगे 1 × 2 × 3 × … (n-1) × n एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फैक्टोरियल एन. फैक्टोरियल का फिर मैं समझाऊंगा. एक्सक्लेमेशन साइन होता है इसका, ये जो रहेगा इसका सिंबल ऑफ फैक्टोरियल. We read this symbol as n factorial. So इसको हम बोलेंगे factorial n और n factorial. Thus 1 × 2 × 3 × … (n-1) × n is equals to factorial n. Now factorial 1 की क्या value होगी? Factorial 1 is equals to 1. Factorial 2 क्या होगा? 1 × 2. Factorial 3 1 × 2 × 3. फैक्टोरियल 4 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. फैक्टोरियल ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है. नाउ द क्वेश्चन इज फैक्टोरियल 5 क्या होगा? फैक्टोरियल 5 को कैसे इवेल्युएट करेंगे? हाउ टू इवेल्युएट फैक्टोरियल 5? सो फैक्टोरियल 5 में आप 1 × 2 × 3 × 4 × 5, सेम थिंग लाइक दिस. जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 1 × 2 × 3 × 4, फैक्टोरियल 5 में 1 × 2 × 3 × 4 × 5. फैक्टोरियल 0 इज 1. द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज 1. ये आपको अच्छे से याद रखना है. नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनादर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m × n. मतलब ओवरऑल मीनिंग अपनी लैंग्वेज में हम बोलेंगे, ऑन लैंग्वेज में, अगर किसी इवेंट के, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज,
अनादर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज, और कोई थर्ड इवेंट ले लिया वो पी डिफरेंट वेज है, देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई पी, जितने इवेंट्स होंगे उसके प्रोडक्ट करते जाएंगे. सेकंड, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज डिनोटेड बाय एन पी आर. यहाँ पर P का जो मीनिंग रहेगा परम्यूटेशन होगा. वट डू यू मीन बाई दिस P? ये कैपिटल P जो है परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेगा. इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एन पी आर, एंड इट इज गिवन बाय एन पी आर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है. एन पी आर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r. ये आपकी कंडीशन रहेगी, r की जो वैल्यू रहेगी इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r. सो फैक्टोरियल एन 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई एन. फैक्टोरियल एन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस 1. द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज एन पावर आर. अगेन लिसन मी, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different things taken or at a time where repetition is allowed is n raised to the power r. Repetition जब allow होगा तो formula हमारा n power r होगा. When the repetition is not allowed then n p r is equals to n factorial upon n minus r factorial. Now let's start exercise 7.1. Exercise 7.1 question number 1. मैं रीड कर रहा हूँ. हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5. अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड. अगेन लिसन मी, वी हैव टू फॉर्म थ्री डिजिट नंबर एंड द डिजिट्स आर गिवन. देयर आर फाइव डिजिट्स गिवन, 1, 2, 3, 4, 5. In first part, we have to find the repetition of the digits is allowed. Repetition of digits is allowed. When repetition is allowed, then there are five digits. We have given five digits, 1, 2, 3, 4, 5. और जो number बनाना है आपको three digit number बनाना है. Three digit number का मतलब है आपको इस तरह से three boxes बनाने हैं, like this. थ्री डिजिट का मतलब आपको थ्री बॉक्सेस बनाने हैं. सपोज मुझे फोर डिजिट नंबर बनाना होता तो यहाँ पर फोर बॉक्सेस लेता. वी हैव टू मेक थ्री डिजिट नंबर, हमें थ्री डिजिट नंबर बनाना है और कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो सकती हैं. एंड द डिजिट्स आर, डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5. जब डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं तो यहाँ पर 5 के 5 नंबर आ सकते हैं, ऑल 5. यहाँ पर भी 5 आ सकते हैं और यहाँ पर भी 5 आ सकते हैं. व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो जितना आपको नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर 5 नंबर्स दे रखे हैं तो वंस वाले प्लेस में भी 5 नंबर्स आ जाएंगे, टेंस वाले प्लेस में भी 5 नंबर आएंगे, 100 वाले प्लेस में भी 5 नंबर आएंगे. सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड आंसर इज 125. नाउ बाय एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल, अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूं. एफपीसी का मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. By fundamental principle
fundamental principle of counting. By fundamental principle of count, the number of ways, the required number of ways equals to 5 multiply 5 multiply 5 is equals to 125. Now again listen me, क्या है question? We have to given 5 digits, हमें 5 digits दे रखी हैं and we have to make 3 digit number, हमें 3 digit number बनाना है. 3 digit का मतलब है आपको 3 यहाँ पर boxes लेने हैं. So like 3 box हमने लिए और numbers कितने दे रखे हैं? 5 numbers दे रखे हैं. Repetition is allowed, repetition जब allow होगा तो यहाँ पर भी 5 numbers आ सकते हैं, यहाँ पर भी 5 numbers आ सकते हैं, यहाँ पर भी 5 numbers आ सकते हैं. And by the principle of fundamental FPC rule apply होगा. When repetition is allowed by fundamental principle. Principle में ये थोड़ा सा principle, PRINCIPLE, by fundamental principle of counting the number of ways. So the answer is 125. Now second part में आपको we have to find repetition of the digits is not allowed. Second case में digits का repetition allowed नहीं होगा. So when repetition is not allowed, इसी को continue करते हैं like this. Second part question same है, बस यहां पर when repetition is not allowed. अब repetition is not allowed का मतलब है यहां पर repetition नहीं होगा. और जब repetition नहीं होगा तो means यहां पर 5 numbers आए हैं तो यहां पर 4 आएंगे, फिर यहां पर 3 आएंगे. repetition not allowed में आपको 1-1 less करना है. when repetition is not allowed, repetition allowed नहीं है तो suppose यहां पर 5 numbers आए, then यहां पर 4 आएंगे, then यहां पर 3 आ जाएंगे. so it is called repetition is not allowed. now by fundamental principle, ये तो आपके इस exercise में लगेगा ही सही. पूरी exercise जो है fundamental principle of counting पर based है. So by fundamental principle of counting, the number of ways, required number of ways is 5 multiply 4 multiply 3 equals to 60. Now question 1 is over. Again एक बार फिर समझा देता हूँ. repetition allow में digits जो हैं repeat होंगी, जैसे 5 into 5 into 5 first part, and in second part repetition is not allowed. When repetition is not allowed, so by fundamental principle of counting, the number of ways is equals to 5 multiply 4 multiply 3 is equals to 60. After this, question number 2. Now question number 2, how many 3 digit even numbers? आपको 3 digit even numbers बनाने हैं question number 2 में. और digits आपको दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6. 6 digit दे रखी हैं. 3 digit number बनाना है यहाँ पे भी. Digits are 1 2 3 4 5 6, and the condition is if the digits can be repeated. Digits यहाँ पर repeat हो सकती हैं. Question number 2 का solution है ये. Solution 2, there are 6 digits आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन में. और डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, एंड वी हैव टू फॉर्म इवन नंबर. अब इवन नंबर का क्या मीनिंग है? इवन नंबर कब आएगा? इवन नंबर के लिए देखो यहां पर इवन नंबर की जो कंडीशंस हैं. इवन नंबर हमने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा है. वंस प्लेस पर अगर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 0 आए, 8 आए, then the even number is possible. 0, 2, 4, 6, 8 ones place पर आना चाहिए. यहाँ पर 6 digits आपको दे रखी है. There are 6 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 digits.
एंड वी हैव टू फॉर्म इवन नंबर. इवन नंबर का मतलब है यहाँ पर कितने कैसेज पॉसिबल है, लाइक 1, 2, 4, 6. पहले आपको यहाँ पे इवन नंबर सॉर्ट आउट करने हैं, और वंस प्लेस पर इन तीनों में से कोई नंबर आएगा, या तो 2 आ जाएगा, या 4 आएगा, या फिर 6 आएगा. ये कंडीशन है यहाँ पर. ऐसा नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर जो इवन भी हो, इवन होना चाहिए, और रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर. डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. डिजिट्स कैन बी रिपीटेड का मतलब है यहाँ पर पूरी 6 की 6 डिजिट आ सकती है, यहाँ पर भी 6 की 6 डिजिट आ सकती है, और यहाँ पर कितने डिजिट आएंगे फिर 2, 4, 6 का मतलब है कितने डिजिट आएंगे यहाँ पर, 3 डिजिट्स पॉसिबल. पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. इवन नंबर का क्या मतलब है, इफ द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 एट, देन द नंबर विल बी इवन. सो 2, 4 और 6 देयर आर 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर. नाउ फिर आपको ये चेक करना है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और नॉट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. अब यहाँ पर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, सो वी कैन लाइक 6, वी कैन राइट 6, 6, 3. नाउ कंडीशन रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन इज अलाउड When repetition is allowed, so वही पूरी exercise में by fundamental principle of counting, by fundamental principle of counting, the number of ways. अब यहाँ पर number of ways में क्या आएगा? Yes, number of ways में क्या आएगा यहाँ पर? 6 × 6 × 3. So answer is 108. 6 × 6 × 3 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी इवन नंबर हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पर 3 होगा. सो 6 × 6 × 3, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज 108. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, हाउ मैनी फोर लेटर कोड, हाउ मैनी फोर लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, फोर लेटर का आपको कोड बनाना है, और आपको नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है 10. There are 10 letters. टेन आपको letters given है. There are 10 letters of English alphabet. There are 10 letters of English alphabet. वो भी first 10. वो भी कौन से हैं 10? First 10 letters, English alphabets, all we know that A, B, C, D, E, F, G, H, और so on, Z तक first 10 letters आपको दे रखे हैं. और जो word form करना है, how many four letter code? आपको 4 लेटर का बनाना है. अब यहाँ पे 4 लेटर बनाना है, तो 4 प्लेसेस को आपको वैकेंट रखना होगा. 4 लेटर, 4 का मतलब है आपको 4 प्लेसेस वैकेंट रखनी होगी, यानी कि 4 बॉक्सेस बनाने हैं. हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स? 4. ये 4 वैकेंट प्लेसेस है, और 4 लेटर का आपको कोड बनाना है. ये कंडीशन है, जो वर्ड बनेगा आपका 4 लेटर कोड, 4 लेटर यूज करने हैं. 4 लेटर का कोई कोड जनरेट होगा यहां पर. नाउ
अब हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं, 10। कंडीशन यहां पर दे रखी है रिपीटेशन इज फोर लेटर कोड इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। नो लेटर कैन बी रिपीटेड का मतलब है रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है तो यहाँ पर 10 लेटर मैंने यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर लेस होगा तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे, फिर यहाँ पर लेस होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे, फिर यहाँ पर लेट 7। फोर लेटर कोड जो जनरेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है कितने लेटर का कोड बनाना है। फोर लेटर का बनाना है तो फोर वैकेंट प्लेसेस बनाने हैं यहाँ पर। सपोज यही क्वेश्चन चेंज हो जाता, मान लो इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन इज अलाउड होता, अगर रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ होता तो 10 × 10 × 10 × 10 होता। और इफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कंडीशन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज। अब यहां पर नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सो 10 × 9 × 8 × 7, आई थिंक यू गॉट इट। 10, 9, 8, 7 फोर लेटर का आपको बनाना है यूज करते हुए। देर आर 10 लेटर्स हमें दे रखे हैं, सो 10 × 9 9 × 8 = 72 × 10 = 70 किसी भी तरह से कर सकते हो, 70 × 72 9 × 72 × 10 = 70 नाउ 7 × 14 = 4 7 × 49 + 1 = 50 40 7 × 14 then 7 × 7 = 19 7 × 49 + 1 = 50 40 हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी लेटर, फोर लेटर कोड्स, सो 5040 आंसर जो हमारा रहेगा 5040। रिपीटेशन अलाउ नहीं था, सो 10, 9, 8, 7 फोर लेटर को यूज करते हुए बनाना था। फोर लेटर का मतलब है फोर बॉक्सेस, फोर लेटर कोड का मतलब है आपको फोर बॉक्सेस यहाँ पे ब्लैंक रखने से। सो दिस वन इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ये है आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बुक में हो सकता है बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times लास्ट ईयर ये प्रोबेबिलिटी में भी आया था, प्रोबेबिलिटी में, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times जब कॉइन को 1 time उछालते हैं, तो 1 time अगर उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आते हैं हेड टेल। सिंपल क्वेश्चन, 2 time ये 1 time के लिए कॉइन की कंडीशन है, कॉइन में 1 time उछालेंगे तो कंडीशन 2n मान लो, 1 time उछाला सो 2n, देन 2, 2 times के लिए 2, सो 4 हो जाएगी, हेड हेड, टेल टेल, HT TH, ये सब लास्ट ईयर हमने पढ़ लिया है क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी में। केवल आपसे इतना सा पूछा है, हाउ मेनी वेज, कितने, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times
आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, केवल आपको हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं, तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स में 2 power 3 हो जाएगा, आंसर 8 आएगा, आंसर इज 8। ये पूरा कंसेप्ट समझा दिया कॉइन का, व्हेन वन कॉइन, एक कॉइन होता है तो 2 की पावर n का कंसेप्ट चलेगा यहां पर। सो हेड टेल 2 power 2, देन 2 power 2 का मतलब 4 हो जाएंगे यहां पर, यहां पे 2 आउटकम्स है। सिमिलरली 3 coins आर टॉस्ड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, सो आंसर इज 8। नाउ एक्सरसाइज 7.1 डन, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज पूरी फैक्टोरियल पर बेस्ड है, फैक्टोरियल नोटेशन पर बेस्ड है एक्सरसाइज 7.2। ये क्वेश्चन बुक में ही हो जाता है, 2 power 3 इसका आंसर है सिंपल। फैक्टोरियल नोटेशन अभी समझाया था आपको कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। सपोज दिस इज एन फैक्टोरियल, ये आपका सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, ये सब डिस्कस कर लिया था अभी इंट्रोडक्शन में, इसे हम रीड करेंगे फैक्टोरियल एन। एक्सरसाइज 7.2 रहेगी हमारी और फैक्टोरियल एन को हम इस तरह 1 × 2 × 3 × …n-1 × n, इस तरह से आपको फैक्टोरियल का नोटेशन हमें समझा दिया था, 1 × 2 × 3 … n-1 × n, दिस इज फैक्टोरियल n। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्यूएट फर्स्ट पार्ट इज फैक्टोरियल एट। फर्स्ट पार्ट में आपको फैक्टोरियल 8 निकालना है, इसको इवेल्यूएट करना है। सो फैक्टोरियल 8 इज इक्वल्स टू 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8। फैक्टोरियल 8 को आपको इवेल्यूएट करना है, फैक्टोरियल 8 का मतलब होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, देन प्रोडक्ट कर लेंगे सिंपल, इसको प्रोडक्ट करेंगे, 5 वाला ले लो ये इजी रहता है, 5 × 2 = 10 × 10 × 10 × 3 = 30 × 4 = 120, देन 6 × 7 = 8। सिंपल कैलकुलेशन, जब भी आपको 5 दे रखा है तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन देखा करो, 5 और 2, सो 5 × 2 = 10 × 3 = 30 × 4 = 120, देन 6 × 7 = 120 × 6 = 720 × 56, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40320 40320। Evaluate factorial 8, so this one is the solution। केवल आपको जितना factorial आपको देंगे, suppose 5 factorial given, then 1 × 2 × 3 × 4 × 5। Now second part में आपको factorial 4 minus factorial 3 करना है, इसी का second part। factorial 4 minus factorial 3, factorial 4 को लिखेंगे सिंपल, factorial 4 1 2 3 4, सो 4 × 3 = 12 × 12 = 24,
फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 × 2 × 3 और इन दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है, सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 24 − 6 × 4 − 3 इज इक्वल्स टू 24 − 6. आई थिंक यू गॉट इट. फैक्टोरियल 4 का क्या मीनिंग हुआ, फैक्टोरियल 3 का. दोनों को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन अगर यहाँ ऐड होता तो हम ऐड करते हैं, माइनस है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज डिवीजन होता तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, जो भी आपको ऑपरेशन दे रखा है, 24 − 6 आंसर इज 18. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कंप्यूट फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2. कंप्यूट करना है वो भी इसी के जैसे कैलकुलेशन करनी है. कंप्यूट फैक्टोरियल 8, क्वेश्चन नंबर 3. फैक्टोरियल 8 इट इज डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2. नाउ अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. फैक्टोरियल 8 को आप ब्रेक करना, 8 × 7 × 6 और यहां पर ये फैक्टोरियल 6. फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1. ये सिंपल मेथड है इसका कैलकुलेशन का, अदरवाइज आपको 8 7 6 5 4 3 2 1 काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती. यहाँ पर फैक्टोरियल 8 है, यहाँ फैक्टोरियल 6 है, तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 इज इक्वल्स टू 8 × 7 × फैक्टोरियल 6. इससे हमें फ़ायदा होगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हुए, देन 2 × 2 × 2 = 4 times. सो आंसर इज 28. 4 × 7 = 28, ये इसका कैलकुलेशन है. यहाँ पर अगर मान लो डिजिट चेंज होती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सपोज यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल 9 दे दिया तो फिर, और यहाँ 6 होता तो 9 × 8 = 7 × 9 × 8 × 7 देन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 6. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फैक्टोरियल n का स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बताई दिया है, 1 × 2 × 3 · n − 1 · n. दिस इज द सिंबल, ये फिर एक बार और समझा देता हूँ, ये इसका सिंबल है फैक्टोरियल नोटेशन का. नोटेशन भी बोलते हैं, फैक्टोरियल भी बोलते हैं. सो सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, दिस इज द न्यू टर्म, ये आपकी न्यू टर्म है. नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये 7.2 का. इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको अपने होमवर्क में कर रहे हैं, और जो ये क्वेश्चन कराए हैं, डू प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, और तभी आपके डाउट निकलेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी. इफ 1/(6), क्वेश्चन नंबर 4. इफ 1/(6) प्लस 1/(7) इज इक्वल्स टू x/8. ये आपका क्वेश्चन है. 1/(6) + 1/7) इज इक्वल्स टू x/8. फाइंड x, फाइंड करना है x, आपको निकालना है. देखो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है. सिंपल सी बात है, यहाँ पर सब जगह 6 मिनिमम हो जाएगा. यहाँ पे भी 6 ले सकते हैं, यहाँ ये 6 है, इसको हम 7 × 6 में ब्रैक करेंगे, इसको 8, 7 और 6 में, ताकि सब जगह से फैक्टोरियल 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा. हाउ कम, किस तरह से करना है, 1/(6) / 7 × 6. फैक्टोरियल 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, 7 × 6 इज इक्वल्स टू
एट, ये मल्टीप्लाई है, एट सेवन एंड फैक्टोरियल सिक्स। अब आप देखो डिनोमिनेटर में सब जगह फैक्टोरियल सिक्स कॉमन आ रहा है, तो हायर क्लासेज में आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। सो फैक्टोरियल सिक्स कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, और अगर आप चाहें तो एक स्टेप और ज़्यादा कर सकते हैं, फैक्टोरियल सिक्स यहाँ पर कॉमन ले लो, दोनों ही मेथड करेक्ट है। सो वी कैन राइट वन प्लस वन अपॉन सेवन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एट मल्टीप्लाई सेवन, दैट इज 56। वन प्लस वन बाई सेवन, डिनोमिनेटर में सेवन एलसीएम, सो सेवन प्लस वन एक्स अपॉन 56। कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर समझा देता हूँ। वन अपॉन फैक्टोरियल सिक्स, वन अपॉन फैक्टोरियल सेवन को आप लिखेंगे सेवन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल सिक्स। ये डॉट में प्रॉब्लम हो तो आप आराम से मल्टीप्लाई लगा सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। फैक्टोरियल एट को एट मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सिक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्लियरली फैक्टोरियल सिक्स सब जगह कॉमन आ रहा है, सो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं लाइक दिस। देन वन प्लस वन बाई सेवन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 56। सो सेवन प्लस वन एट अपॉन सेवन इज इक्वल्स टू एक्स बाई 56। नाउ यहाँ भी आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, सेवन से वन टाइम, सेवन से एट टाइम्स, सो ओवरऑल एक्स की जो वैल्यू आएगी 64 आ जाएगा आंसर। एक्स इज इक्वल्स टू 64। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 इज डन, डू प्रैक्टिस, थैंक यू।